आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद संजय राउत और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत भारी संख्या में जनता मौजूद रही। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि जैसे चुनाव आता है ये एजेंसी भाजपा के प्रचार में लग जाती है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि डुमरियागंज में शिवसेना का उत्साह देखकर लग रहा है कि डुमरियागंज में शिवसेना की जीत पक्की है। वो एक्शन पूरी राजनीतिक एक्शन है। जैसे चुनाव नजदीक है तो ये सारी एजेंसी प्रचार में लग जाती है और यही प्रचार की शुरुआत है भाजपा। मैं उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता। शिवसेना पहली बार यूपी में आई है, चुनाव लड़ेगी। पहले हम एक मित्रधर्म का एक ये करते थे, लेकिन जब ही हमने देखा कि शिवसेना के लिए जो आप उत्साह देख रहे हो, रिस्पांस देख रहे हो उत्तर प्रदेश में, मुझे ये लगता है कि डुमरियागंज में शिवसेना की जीत ये निश्चित तय है। तो आदित्य ठाकरे जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस बार शिवसेना की जीत तय है। तो एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं शिवसेना के प्रत्याशी। इस बार उतरे हुए हैं सिद्धार्थनगर से और इस तरीके का बयान सामने आया है जब जनसभा को संबोधित करने आदित्य ठाकरे पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा भाजपा के सारे वादे सपने बन गए हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना के प्रत्याशी गजाला लारी गांव गांव डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि गजाला लारी रायपुर विधानसभा से महिला सपा प्रत्याशी है। रामपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी भजन लाल ने बताया कि भाजपा सरकार हर गांव गांव में से जनता का प्यार मिल रहा है। जनता का प्यार देखकर मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। इस बीजेपी सरकार में 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ है, अधूरे कार्यों को हमें ही पूरा करना होगा। आप देख रहे हैं ये जनता का ही प्यार है जिससे अभिभूत हूँ मैं, और अक्सर इन लोग का ये प्यार और जो दुलार देखती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। और इसके अलावा आप सब देख रहे हैं कि ये परिवर्तन की लहर है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो काम था 5 साल जो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो वो सबके उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सब लोग समझ गए हैं कि एक ऐसे ही मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो उत्तर प्रदेश का विकास का काम कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। बांदा में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा पहरे में रखवाया गया है। वहीं देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान मौके पर जिलाधिकारी सहित जनपद के तमाम आला अधिकारी मंडी में मौजूद रहे। बता दें कि ईवीएम मशीनों को मंडी में बने स्ट्रांग रूमों में अलग अलग रखवाया गया है, जहां 10 मार्च को मतगणना होगी। जिलों की चारों विधानसभाओं में हमारा तिनवारी में है 61.61 और बबेरू में है 60.74 जी, नरेनी में है 62.42 जी, बांदा में है 63.12%। इस तरह से 61.97% है और पिछले 2017 की तुलना में हम लोग 2.30% आगे। जनपद प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी संजय त्रिपाठी ने डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि विश्वनाथगंज की जनता एक बार आशीर्वाद देती है तो क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने का काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को विश्वनाथगंज क्षेत्र से विदा करना है। कानून द्वारा स्थापित कानून का राज चलेगा उत्तर प्रदेश में। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलेगी। महंगाई पे कंट्रोल नियंत्रण होगा, साथ ही साथ छोटा जानवरों से मुक्ति मिलेगी। विकास युक्त बहन जी का शासनकाल रहा है, आप सबने देखा है। मैं यही सदर का विधायक था 5 वर्ष 7 से 12 तक। मानधाता ब्लॉक के विश्वनाथगंज
विधानसभा का एक हिस्सा है, 90% गांवों में संपर्क मार्ग है, लेकिन यहाँ गढ़वारा जो पहले पूर्व में गढ़वारा विधानसभा थी लक्ष्मणपुर ब्लॉक में और सरवा चंडीगढ़ जो एरिया इसमें है, अन्य क्षेत्र जो है वहाँ 90% गांवों में संपर्क मार्ग है, नहीं जो 10% संपर्क मार्ग है भी वो चलने योग्य नहीं है, गड्ढा युक्त है। खबर मथुरा से है जहां थाना मंगोरा के गांव अड्डा में दो समुदायों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक बार फिर दोनों पक्षों में तनातनी का माहौल देखने को मिला। पीड़ित दलित परिवार के कुछ लोगों ने बताया कि उनके परिवार के लोग खेतों पर गाय और भैंसों के लिए चारा लेने गए थे, तभी दबंग समुदाय के लोग खेतों में छुपे थे और जानलेवा हमला कर दिया। वहीं लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और पुलिस ने मामले की जानकारी दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। लड़का राजेश बड़ा मेरा लड़का है और एक गांव का चाचा है, चाचा का लड़का है, वो हमने साथ भेजा था, बोल बेटा बर्ची ले आओ। तो ये बर्ची लेने गए, बर्ची लेके वहां से आ रहे थे तो ये बम्मा पे रोहतास दिल्लों की और चार पांच लोग थे, इनके साथ डंडे और हथियार राइफल बंदूक और साथ इनके पीछे, और एक बंदा जो बंडान का है उसने बोला कि बेटा जहाँ से भाग जाओ आपको मार देंगे। तो इन्होंने, इनके पास बाइक थी, इन्होंने फुल स्पीड से भाग के यहाँ आके घबराते हुए एक साथ बोले पापा ऐसे ऐसे बात है, बाल बाल बच के आए हैं। और यहाँ कॉन्स्टेबल भी बैठे हैं दोनों, वो मोटरसाइकिल उनको उनके सामने बात है। वहाँ चारा काटते समय तिल्लों की रोहतास और उसके उसका बेटा आकाश और वे सभी लोग खेत पर घूम रहे हैं, और दूसरे गांव के आदमी ने बताया लाला तेरे पीछे भगे हुए हैं, अपनी जान बचा करके वहां से भगे हैं, अगर मोटर बाइक नहीं होती तो ये न हमारे बच्चों के साथ क्या होता, बहुत जानलेवा हमला करने की हमारे ऊपर कोशिश की जा रही है। फरीदाबाद में पड़ोसी की पर्वतीय कॉलोनी में लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने एक घर के बाहर ताबड़तोड़ लाठी डंडे और पत्थर बरसाए। इस हमले में घर का बिजली का मीटर टूट गया, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। घटना की सूचना दिए जाने पर पहुंची 112 जिप्सी में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ भी इन बदमाशों ने काफी बदतमीजी की, लेकिन बदमाशों को काबू करने के लिए वहां पर पुलिस भी बुलानी पड़ गई। रात को एक सूर्य नाम का व्यक्ति, उसके साथ 6-7 बंदे गेट पर हमारे डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए और साइड में खड़ा टेम्पो हमें मारने के लिए आए थे। लगभग कितने लोग थे साथ में? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे, क्या कुछ रंजिश वगैरह थी आपकी पहले से इस तरीके से? कोई रंजिश नहीं है। तो फिर क्या लगता है कि अभी जो पुलिस में आपने कंप्लेन वगैरह दे दी है? रात को मैम डायलिस पे बोल रही थी, रात को पुलिस आई थी हमारे पास, पुलिस से भी सुधीर ने आता पाई की जिस दौरान सुधीर को पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस के ऊपर भी लाठी डंडे इन्होंने बरसाए थे क्या? पुलिस से हाथापाई की थी, हाथापाई हुई थी। तो अभी शिकायत वगैरह दर्ज करा दी है, क्या कुछ पूरी मांग है आपकी? मैम रात को पुलिस इनको पकड़ के ले आई थी, सुबह रात ही इनको छोड़ दिया गया। रात को ही छोड़ दिया गया है? तो प्रशासन से आपने बोला नहीं कि इतनी जल्दी छोड़ दिया इन्होंने, इस तरीके से वारदात की है रात को? कोई बात करके राजी नहीं है, तो क्या कुछ मांग है अभी आपकी? न्याय चाहिए। खबर चंदौली से है जहां महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। बता दें महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं मृतका की बेटियों ने पिता पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन विवाद को लेकर पिता ने बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के पति सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया और मामले की जांच में जुट गई। मेरे मम्मी की। कौन किया है? पापा चढ़ा बढ़ा के 5 लोग उनके पीछे पड़ा रहना खेत के बारे में, खेत के बेच दा हमें लिख दा तू पैसा देव। मम्मी रोकत रहनी है एक काम के, एप्लीकेशन सब जगह देते रहनी है। दीदी से भी बात होते रहा कत रहना तो के मुआ देव न बेच देवी तो अकाल उनके साथे खेते भी आ रहा ना, मन कई बात का पता ना। आ घर जाके तब को सुतल रहना एक को बना पूछना तरह जाने के मम्मी कहा हम जाए खोजली जान ना मिलनी मम्मी, रात के 4-5 बजे ली जान ना मिलनी, फिर सवेरे सा रात भर तो सुत गली भोर में कम जाके खोजत ली हा। आ सुतल रहना नाटक करके अब जिंदगी भर एक को काम ना करत रह, बस अपन सुख चाहत रह। आज करनौल गाँव के बाहर खेतों में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी, उनकी बेटियाँ गई थी मृतका की, उनका ये कहना है कि उनके माता की हत्या हुई है, हत्या के बारे में जांच की जा रही है।
रायबरेली में शिवगढ़ थाना क्षेत्र के दुंदगढ़ में घर वापसी नहीं आए युवक का शव घर के सामने स्थित कुएं में बोरे के अंदर मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल युवक नया थ्रेशर खरीदने गया हुआ था। मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतवार शाम को घर से निकले, मैंने कहा इतवार के दिन, हाँ, कि कहाँ जा रहे हो? कहने अभी हम आ रहे हैं, पर हम आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। कहीं कोई सूचना दी गई थी इस विषय की? अगर वो गायब हो गए थे, इसकी सूचना कहीं दी गई थी? पुलिस को दी गई थी? पुलिस को दी गई, दूसरे दिन सुबह। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।